तो इस पोयम में जितने भी हमारे प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों के उत्तर हम अभी दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि इस कविता का अर्थ को हम लोगों ने जान लिया है। कविता का अर्थ को जानने के बाद फिर उसका आंसर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने सबको इसका अर्थ बता दिया। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस बार इंग्लिश का जो पैटर्न है वो चेंज किया है, यानी 40 नंबर के अंग्रेजी होंगे जिसमें 30 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ढाई ढाई नंबर के दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर, और फिर एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा जो 5 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 30 और 10 40। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हम लोग काम करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न को सॉल्व करने से पहले जरूरी हो जाता है कि हम उसके हिंदी अर्थ को जाने, उसके एक एक शब्द उसके वर्ड मीनिंग को जाने, ताकि हम बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सके, उसके प्रश्नों के उत्तर को हम दे सके। ओके,